गांव ही सही, अपना गांव ही ज़्यादा सही है। आज बैलेंस आज दे यार साथ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो फाइनली अभी मॉर्निंग टाइम अराउंड 9 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा खेत साइड। अभी ब्रश वश करके बस रेडी हुआ था, मैं सोचा थोड़ा खेत साइड घूम के आते, थोड़ा सा भी काम भी है थोड़ा सा दुकान साइड भी है। और आवाज़ थोड़ी बहुत क्लियरिटी समझ में आ रही होगी आप लोग को, क्योंकि भाई मैं अभी सतना गया था, वहाँ पर मेरे को सर्दी वगैरह हो गया, वैसे भी सिर दर्द हो रहा है। थोड़ा जाएंगे, थोड़ा टैबलेट वगैरह लेंगे। और मौसम तो देख ही रहे हो भाई, हरियाली चारों तरफ दिख रही है, गेहूँ और फूल पत्तियाँ वगैरह समझ में आ रही हैं। और हाल चाल तो बेकार है भाई, कभी धूप हो रही कभी छांव हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो अभी जा रहे हैं खेत साइड। और भाई सदना जाने पे ना तबीयत ही डाउन हो गई पूरी, आवाज़ का पूरा क्लियरिटी चेंज हो गई, पर कोई नहीं चलते हैं। तो कुछ इस तरह का माहौल है यार यहाँ का। तो जैसा कि बताया मैंने कि एक रात मैं अभी सतना में बिता के आया हूँ, तो मैं सेटअप सतना में था, तो वहाँ पे मैं छत में बैठा था, तो मैंने कुछ बैठ के ना कुछ नोटिस कर रहा था कि भाई एक चीज़ जो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई हम गांव पे हैं तो सिटी पे जाके घर लेना है, सिटी पे रहना है, सिटी पे रहने की ड्रीम सकता है आदमी, ज़्यादातर चीज़ें होती कि हम सिटी पे ही रहेंगे, कुछ चीज़ें सिटी पे होनी चाहिए। पर मुझे ये लगता है ना भाई, वहाँ का देख के ना मुझे ये लगता भाई गाँव ही सही है सला, गांव ही सही है, अपना गांव ही ज़्यादा सही है, सिटी तो भाई कुछ कहना ही नहीं है, तो अलग ही नखरे हैं। मैं देख के आया हूँ ना, मन ही नहीं है उधर का कुछ तो। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोग को बताता हूँ, आप लोग बने। क्या है ना, वहाँ मैं घर देख के आया हूँ, लोगों ने दो दो मंजिला में घर भी बना के रहते हैं, दो दो मंजिला, और मंजिला के साथ में लोग और ऊपर बना रहे हैं, वो अच्छी बात है भाई, इसके पास पैसा आ रहा है। बट अगर कुछ कार्यक्रम वगैरह हो जाता है तो भाई उनके पास कुछ जो होगा छत पे होगा, नीचे कुछ नहीं हो सकता। नीचे उतरते ही ना, नीचे अगर वो लोग कदम रखते हैं सीधे छत में, उनको रोड मिल जाती है जो कि सरकार की है, और वहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यही मेन पॉइंट है कि भाई हम लोग अगर गांव पे हैं तो कुछ करते तो भाई दूसरे के खेत में भी सब कुछ लग जाता, टेंट अच्छा लग जाता है, पर सिटी में यार वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं जो आदमी गाँव में कर लेता है। क्योंकि आदमी छत तो ऊपर बढ़ा सकता है पर नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि भाई जितना है उतना ही रहेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगी मेरे को वहाँ पे। तो यार ये चीज़ें देख के मेरे को एक चीज़ लगा कि भाई अपना गांव ना एकदम बेस्ट है, सिटी उटी पे कोई नहीं, यहीं पे बनवाओ, यहीं पे रहो, ज़्यादा अच्छा है यार। सिटी पे कुछ चीज़ें हाँ हम लोग कुछ चीज़ें जो कि ज़्यादा लग्जेरियस हो सकते हैं, बट गाँव में भी अगर हमारे पास है तो हम लोग सकते हैं, काफ़ी अच्छा है भाई। तो गाँव मेरे लिए ज़्यादा बेटर है सिटी से। तो फाइनली अभी इवनिंग टाइम है और अभी मैं खेत आया था, तो एक चीज़ मैं भूल रहा था, अभी मेरे को याद आई है, आज बैलेंस आज डे यार, 7 फरवरी है, तो आज बैलेंस आज डे है। सो तो अपनी लाइफ में उसका कुछ रूल तो है नहीं, बट तो भी आप लोग को एक बार विश कर देता हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली की तरफ। सो तो हैप्पी बैलेंस आज डे ऑल ऑफ यू गाइज, जिसके पास भी गर्लफ्रेंड से भाई, तो आप लोग क्या किया कमेंट्स करके बता रहा कहाँ घूमने गए थे। सो तो अब इवनिंग टाइम एक बार दिखा देता हूँ, काफ़ी मस्त नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। अभी मैं खेत पर खड़ा हूँ, देख सकते हो कुछ, ये देख लो यार काफ़ी मस्त दिख रहा है यहाँ से। सो तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट अमेजिंग ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।